हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप एंड हेयर स्टाइल फॉर होली। तो होली के लिए आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। हाउसवाइफ हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है आपके पास मेकअप का, तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। मैं भी अभी दिल्ली से गाँव आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेके आई थी, मेरे पास कुछ कुछ प्रोडक्ट ही थे। तो मैंने फेस को मॉइस्चराइज़ किया था, प्राइमर लगाया, टोनर लगाया एंड ये प्राइमर लगा के अच्छे से। टोनर लगाने के बाद आपको 2 मिनट का वेट करना है, प्राइमर लगाने के बाद आपको 1 मिनट का वेट करना है ताकि स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, जितना भी स्किन पे आपके ओपन पोर्स वगैरह है उनको हाइड कर दे। उसके बाद मैंने लिया था कंसीलर। मैंने यहाँ पे कलर करेक्टर, फाउंडेशन कुछ भी यूज़ नहीं किया। आप भी डायरेक्ट इसी तरीके से मेकअप कर सकते हो, बस एक कंसीलर है आपके पास। तो इस तरीके से मैंने कंसीलर लगाया था। इसमें लिक्विड एंड स्टिक दोनों वाला कंसीलर है, तो मैंने स्टिक वाला यूज़ किया था क्योंकि बहुत सारा मेरी स्किन पे मॉइस्चराइज है, प्राइमर है तो ईजिली हो नहीं रहा था, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। मैंने इसको ब्लेंडिंग के लिए, अगर आप कस्टमर पे अप्लाई कर रहे हो तब तो आप ब्लेंडिंग के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कीजिएगा, बट आप अगर खुद पे अप्लाई करोगे तो मैं कहूँगी कि आप अपने हाथों से ब्लेंड कीजिए तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई किया बट मुझे नहीं ईजी लगा, तो मैंने अपने हाथों से इस तरीके से जैसे क्रीम लगाते हैं उस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। सामने मिरर लगा हुआ था तो उसमें इजीली मेकअप में इजी हो रहा था। मैंने इस तरीके से ब्लेंड कर लिया पूरा। ब्लेंड करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, इसको सिंपली अपना कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है उससे सेट करूँगी। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो कोई भी सूखा पाउडर जैसे पूंछ जो भी आपके पास हो अवेलेबल हो उससे आप अपना मेकअप कर सकते हो। बिना मेकअप प्रोडक्ट के भी इतना सुंदर मेकअप आप कर सकते हो, बस एक कंसीलर हो आपके पास तो लाइनर काजल ये तो सबके पास होता ही है। अब थोड़ा सा मेकअप करना है तो इतना तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से मैंने देखी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद मैंने सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था। आपके पास ये है तो ठीक है, ये तो वैसे नॉर्मल सबके पास होता है, अगर नहीं है तो भी आप अपना पोन्स पाउडर कोई सा भी पाउडर हो अपने आपके पास तो हल्का हल्का सा लेके इस तरीके से अपने बेस को सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्लश लगाना है। ब्लश के लिए अगर आपके पास ब्लशर है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप लिपस्टिक का यूज कर सकते हो ब्लश लगाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा मेकअप सेट कर लिया है। अब इसके बाद से मैंने ब्लशर लिया था, एक ब्लशर तो मैं बोलूँगी कि एक ब्लशर तो सबके पास होना ही चाहिए, फिर भी नहीं है तो आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। ये मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि ये वाला ब्लशर मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एक ब्लशर ले लोगे अगर आपको कस्टमर का नहीं करना है तो 2-3 साल तो आराम से चल जाता है जब तक इसकी एक्सपायरी डेट ना निकले। इसके बाद मैंने आई मेकअप के लिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने पिंक कलर का आई शेडो लिया था और इस तरीके से अपने आईज़ पे पूरा आईज़ पे अप्लाई कर लिया था। लाइट मेकअप के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, लड़कियों के लिए भी बेस्ट रहेगा ये वाला मेकअप। तो इस तरीके से पूरा अप्लाई कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने के लिए जैसे लगे कि हाँ मैंने आई मेकअप किया है, लो वाटर लाइन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लो वाटर लाइन पे अगर हम लोग कलर अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा मेकअप जो है वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो आपको अपने लो वाटर लाइन पे जो कलर आप अपने आईज पे अप्लाई किया वही अप्लाई करना है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का हाईलाइटर लेके इस तरीके से अपने आई लीड पे अप्लाई कर दिया है एकदम सेंटर में, और इस तरीके से आईब्रोज के नीचे भी बहुत अच्छा लुक आया था। इनर कॉर्नर पे भी इस तरीके से अप्लाई करना है, नोज पे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हाइलाइटर वगैरह कुछ भी ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, बस एक ही इस ब्लशर से आप पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पे ब्रश ले लिया, चेंज कर लिया था, और अपना चिक बोन्स पे, फोरहेड पे एंड ठोड़ी पे, अपर लिप्स पे, सब पे हाइलाइटर इस तरीके से अप्लाई कर दिया था। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन होने वाला है। इसके बाद मैं अपना आईब्रो फिल करूँगी। आईब्रो फिल के लिए मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल लिया है और अच्छे से आईब्रो को फिल कर दिया है। आईब्रो फिलिंग की डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है, अगर आपको आईब्रो फिल करने में दिक्कत आती है तो पूरी डिटेल वीडियो अपलोड है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आईब्रो पेंसिल लगा लिया, उसके बाद से मैं आईब्रो फिलिंग ब्रश से इस तरीके से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ओके, देखिए कितना ईजिली बहुत अच्छे से आपका आईब्रो सेट हो गया है और अच्छे से पूरा प्रोफेशनल तरीके से आपको आईब्रो पेंसिल लगा सकते हो आप इस तरीके से, और आईब्रो को अपने अच्छा लुक दे सकते हो। तो इस तरीके से कर लिया था मैंने। उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए यहाँ पे आउटलाइनर ले रही हूँ मैरून कलर का, और इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैं लिपस्टिक मैंने नहीं लगाया था यहाँ पे, बिल्कुल सस्ती वाली जो 10 रुपये वाली लिपस्टिक आती है वो वाली मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी और बहुत अच्छा लुक आ गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले अपना आईलाइनर वगैरह कंप्लीट कर लूँगी। आईलाइनर के लिए सबसे पहले मैं काजल अप्लाई करूँ। काजल अप्लाई करने के बाद से क्या होता है कि आप बाद में आईलाइनर लगाते हो तो लो वाटर लाइन पे जब आईलाइनर लगाओगे तो आपका काजल फैलेगा नहीं और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इसलिए काजल लगाने के बाद पहले आईलाइनर को अच्छे से लगा लीजिए अपने लो वाटर लाइनर अपर आईलाइनर पे। मैंने यहाँ पे स्केच कर तो इस तरीके से लाइनर को अप्लाई कर लिया है।
कुछ इस तरीके से लाइनर अप्लाई किया था। अगर आपको भी अपनी आईज़ बड़ी दिखानी है या फिर थोड़ा सा अच्छा लुक चाहिए तो आप इस तरीके से आईलाइनर लगा सकते हो। देखिए ध्यान से देखिए कैसे लगा रही हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो मैंने इस तरीके से लगाया, फिर इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा आईलाइनर को आगे की तरफ से इस तरीके से किया और लो वाटर लाइन पे पूरा आईलाइनर लगाएंगे, जिससे कि हमारा काजल जो है वो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लंबे टाइम तक स्टे करेगा। तो इस तरीके से लाइनर मैंने अपर लाइन पर लो वाटर लाइन पर अप्लाई कर लिया है। देखिए इस तरीके से आपको लो वाटर लाइन पे भी लाइनर लगाना है। तो देखिए जैसे मैं ऊपर लगाया था वैसे ही नीचे भी लो वाटर लाइन पे भी आईलाइनर लगा रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। थोड़ा मैंने जूम कर लिया था कि आपको अच्छे से दिखाई दे कि कैसे मैंने यहाँ पे लाइनर अप्लाई किया है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे अप्लाई करना है। दूसरी वाली आईलाइनर आईज़ पे इस तरीके से नहीं हुआ था तो मैंने दोबारा से अप्लाई कर लिया। इनर कॉर्नर पे इस तरीके से करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, थोड़ा सा विंग निकालना। उसके बाद से हम लोग अपने लिपस्टिक को कंप्लीट करेंगे। लिपस्टिक के लिए मैंने ये 10 रुपये वाला लिपस्टिक लिया है एंड अपने लिप्स पे इस तरीके से लगा लिया। ये ग्रीन कलर का होता है बट बाद में पिंक सा बन जाता है, पिंक सा कलर आ जाता है इसमें और ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है जो सभी लोग भूलते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेकअप डल दिखने लगता है, तो पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक बार गाइज आप लोग को इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे मेकअप को सेट जरूर करना है, जिससे कि आपका मेकअप फ्रेश दिखे और काफ़ी अच्छा लगे। ओके, तो ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक बार अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से या जो भी पाउडर आप लगा रहे हो उससे अपने मेकअप को सेट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई थी बिंदी और उसके बाद मैं अपना करूँगी हेयर स्टाइल। तो होली पे अगर आपके बाल छोटे हैं और आप हेयर स्टाइल करने में कन्फ्यूज हो तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो हेयर स्टाइल की फुल डिटेल वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड हो जाएगी और अभी आप देख लीजिए यहाँ पे हो रही थी काफ़ी ज़्यादा लंबी, इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल फास्ट कर दिया। इसकी डिटेल वीडियो एक बार मैं आप फिर से अपलोड कर दूँगी, जिसे आप देख के आसानी से सीख सको और दोबारा से इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से चोटियाँ बनाई थी एंड विंग्स निकाला, ईयरिंग्स पहनी, बैक में चोटी को गूँथा एंड इस तरीके से लगा दिया। और ये था मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इस तरीके की मैंने साड़ी पहनी थी और ये चूड़ियाँ मैंने डाली हुई थी और मेकअप मेरा इस तरीके का था। लास्ट में मैंने एक दो पिक भी, ये देखिए इस तरीके का हेयर स्टाइल था, काफ़ी प्यारा लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप होली पे इस तरीके से आपके बाल भी छोटे हैं, पतले हैं, हल्के हैं, तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। और मेकअप स्टेप बाय स्टेप बताया, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए बहुत गुड लुकिंग सा मेकअप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। हेयर स्टाइल जो थी इस तरीके से मैंने किया था एंड इस तरीके से विंग लेयर्स निकाले थे। आप लेयर्स को चाहो तो कर्ल कर सकते हो, और भी ज़्यादा प्यारा लुक आएगा। चाहो तो स्ट्रेट कर सकते हो, दोनों बालों के साथ ये हेयर स्टाइल जाएगा, स्ट्रेट एंड कर्ली हेयर दोनों पे ही ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड बैक से मैंने कुछ किया नहीं था, बस मैंने हेयर स्टाइल बना के छोड़ दिया था। आप चाहो तो पूरे बालों को स्ट्रेट कर लीजिएगा या फिर आप चाहो तो पूरे बालों को कर्ल कर लीजिएगा, कर्ली कर लोगे। दोनों ही टाइप के हेयर पे ये वाला हेयर स्टाइल जो है वो काफ़ी प्यारा और अच्छा लगेगा। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे लेयर्स निकाला है, मैंने तो अपने नॉर्मल हेयर के साथ ही इस तरीके से रख लिया था और इस तरीके से साड़ी पहनी हुई थी। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए ये जो इस तरीके का हेयर स्टाइल है ना, इसके साथ आपको कर्ली हेयर भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो, दोनों पे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे ऐसे ही आप लोग के प्यार और सपोर्ट की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मेरा ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पर मैंने एक दो पिक्स अपलोड किए हैं, वो भी देख लीजिए। जब इतना लंबा वीडियो देख ही लिया तो थोड़ा सा और देखने में क्या ही जाएगा आप लोगों का। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।